दोस्तों, मैं प्रताप पासोरिया स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज 27 अक्टूबर है दोस्तों, और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं डीएचएफएल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। और शुरू करते हैं दोस्तों डीएचएफएल। अगर बात करें दोस्तों, अगर स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो 691.50 पे ट्रेड कर रहा था थर्ड सितंबर को, और एक महीने में ही देखो कहां से कहां आकर ये गिर गया। तो काफी गिरावट इसमें देखने को मिली। अब सीधे सीधे बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे को कल क्या रहा, इसमें 180 पे ये ओपन हुआ था दोस्तों। जो प्रीवियस क्लोज था इसका 183.85 था, और तो डाउन ओपन हुआ। उसके बाद इसने अपना लो भी बनाया दोस्तों। लो बनाने के बाद 177 का इसने लो बनाया, और वहां से ये दौड़ लगानी शुरू की, और 195.30 का इसने हाई बनाया दोस्तों। और अब ये जो ट्रेड कर रहा है 184.15 पे ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों। अब इसमें जो क्वांटिटी, जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है, वो है 2,80,89,000 के अराउंड है। और जो अगर बात करें इसमें डिलीवरेबल क्वांटिटी है, वो है 37 लाख के अराउंड है दोस्तों। और अगर उसकी परसेंटेज देखे तो 13.25 की परसेंटेज है इसकी। कोई ज़्यादा खास नहीं है डिलीवरेबल क्वांटिटी की परसेंटेज, और डिलीवरेबल क्वांटिटी कोई खास नहीं है। तो इससे सीधा सीधा आइडिया लग रहा है कि ये इंट्राडे के फेवरेट स्टॉक्स में से एक है DHFL। अगर इसके एक्सट्रीम लोस रेट की बात करें तो वो ज़्यादा है दोस्तों, 8.84 है। अगर एक बेस्ट स्टॉक होता है जैसे लाइक HDFC बैंक की बात करें तो उसका आपको 5 मिलेगा, जिसकी क्वालिटी ऑफ स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक की अगर एक्सट्रीम लोस रेट आप देखोगे तो वो 5 के राउंड होगी, 5 के बिटवीन होगी। अब बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट दोस्तों। ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर कितना है वो चीज़ें इसमें हम बात करते हैं। जो अगर कॉमन इसका देखा जाए तो ओपन इंटरेस्ट इसका इंक्रीज हुआ है दोस्तों फ्राइडे को। अगर आप ये देखो NSE पर तो कहीं ना कहीं 15 या 16 पोजीशन पे इसका ओपन इंटरेस्ट है, और 16.17% इसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है दोस्तों। तो पब्लिक का इसमें रुझान बढ़ा है इस स्टॉक को लेकर। और इसमें हम कॉल्स एंड पुट्स का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। कॉल्स एंड पुट्स का ओपन इंटरेस्ट ये आ गया, कॉल्स ये DHFL का ही है दोस्तों, ये पुट्स। अब इसमें हम चलो पहले पुट्स का देखते हैं ओपन इंटरेस्ट। स्ट्राइक प्राइस 110 पर, 110 के स्ट्राइक प्राइस पे देखें तो ओपन इंटरेस्ट 2 की रेंज में देख लेते हैं, 2,37,000 का है। उसके बाद फिर जो 2,22,000 का ओपन इंटरेस्ट है वो है 150 के स्ट्राइक प्राइस पे। उसके बाद 2,23,000 का ओपन इंटरेस्ट है 180 के स्ट्राइक प्राइस पे। उसके बाद 2,01,000 का ओपन इंटरेस्ट है 200 के स्ट्राइक प्राइस पे दोस्तों। तो इसमें जो हाई है पुट में ओपन इंटरेस्ट वो यही है, 1, 2, 3, 4, 5 पर ओपन इंटरेस्ट इसका हाई है। और अब बात करते हैं कॉल्स में, कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट कितना है वो देखते हैं। जो देखें हाई यहाँ पर आया 200 पर, 200 के स्ट्राइक प्राइस पे हमने देखा दोस्तों ओपन इंटरेस्ट है 4,96,500, जो कि बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तकरीबन 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है 200 के स्ट्राइक प्राइस पे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं पब्लिक का रुझान है कि ये शेयर चलेगा सीधा सीधा, तो कॉल्स बाइंग इसमें इंक्रीज है दोस्तों। इसके बाद देखें तो इसके बाद 2,13,000 का ओपन इंटरेस्ट कहाँ खड़ा हुआ है, 250 के स्ट्राइक प्राइस पे। और फिर 3,07,500 का ओपन इंटरेस्ट कहाँ खड़ा हुआ है, 300 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो दोस्तों जो स्ट्राइक प्राइस की बात करें, अगर एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे देखें तो कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट हाई है एज कम्पेयर टू पुट। कॉल्स में आप देखो 200 के स्ट्राइक प्राइस पे 4,96,500 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, और 300 के स्ट्राइक प्राइस पे 3,07,500 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, जो कि पुट्स के मुकाबले बेटर है दोस्तों। और इसमें अगर बात करें जो टोटल है ओपन इंटरेस्ट इसका कॉल्स एंड पुट्स का, वो
ये कॉल्स का टोटल ओपन इंटरेस्ट है 20,73,500 और ये पुट्स का है। तो कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट्स, तो ये एक पॉजिटिव साइन है दोस्तों। अब इसमें हम बात करने वाले हैं एक ज़बरदस्त चीज़ के बारे में, वो है बल्क डील। जो दोस्तों DHFL में जो बल्क डील्स हो रही है उसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने शॉर्ट सेलिंग लिखा है, ये कुछ सोच समझ के लिखा है दोस्तों। एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट सेलिंग आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी, कि ये किसी किसी स्टॉक में देखने को मिलती है और उनमें से एक है DHFL। DHFL में शॉर्ट सेलिंग आपको देखने को मिल रही है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब यही है कि जब आप किसी स्टॉक में बने हुए हो और उसके अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक गिर सकता है और आपके पास क्वांटिटी, अच्छी खासी क्वांटिटी होती है, ये आपको लगता है कि ये स्टॉक गिरेगा और आप क्या करते हो उसको फिर शॉर्ट सेल कर देते हैं अपने क्वांटिटी को, शेयर क्वांटिटीज को, और शॉर्ट सेल करने के बाद फिर डाउन जाने के बाद आप दोबारा से उसको बाई कर लेते हो दोस्तों विद इन सेम डे। दोस्तों यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, ये 26 की हम बात करें तो यहाँ पर सेल हुआ, जैसे कि ये क्वांटिटी है 18,75,769 की क्वांटिटी ये सेल की, शॉर्ट सेल हुआ और इसके इतने प्राइस पे ये शॉर्ट सेल हुआ और उसके बाद फिर इसने दोबारा से ये बाई किया सेम क्वांटिटी 186.15 पर। तो दोस्तों जो इनका 15-20 पैसे का जो डिफरेंस है वो इसका प्रॉफिट हो गया। शॉर्ट सेल करने में भी काफ़ी प्रॉफिट बन जाता है, बट इससे दोस्तों जो एक्चुअल में जो शेयर प्राइस पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ जाता है, जैसे कि लाइक अगर शेयर प्राइस ऑलरेडी बेयरिश ट्रेंड में चल रहा है और ऊपर से शॉर्ट सेलिंग इंक्रीज हो जाती है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जहाँ 10 पॉइंट गिरना चाहिए वहाँ 20-25 पॉइंट शेयर गिर जाता है, शेयर का प्राइस और डाउन चला जाता है शॉर्ट सेलिंग के चक्कर चक्कर में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो शॉर्ट सेलिंग बहुत इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। ये देखो 23 को भी काफ़ी शॉर्ट सेलिंग हुई, 22 को भी शॉर्ट सेलिंग देखने को मिल रही है दोस्तों, और 19 को तो गजब ही हो गया, 19 को तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग देखने को मिली है दोस्तों। तो शॉर्ट सेलिंग के चक्कर में अगर बेयरिश होता है तो काफ़ी डाउन आ जाता है, 20-25 पॉइंट्स डाउन आ जाता है शेयर प्राइस शॉर्ट सेलिंग के चक्कर चक्कर में। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है दोस्तों, जो शॉर्ट सेलिंग होती है दोस्तों कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीज़ है जो कि DHFL में देखने को मिल रही है। बाकी ट्रेड्स में लाइक अगर इन्फीबीम हो गया, यस बैंक हो गया, उसमें नहीं मिल रहा, उसमें नहीं है, बट JP एसोसिएट में भी कहीं ना कहीं हल्की फुल्की शॉर्ट सेलिंग देखने को मिल रही है, लेकिन DHFL में बहुत ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग हो रही है जिसके चक्कर में प्राइस बहुत वेरी करने लग जाते हैं शेयर प्राइस उस स्टॉक के जिसमें शॉर्ट सेलिंग ज़्यादा होती है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मैंने जो फैक्ट्स निकल कर आए DHFL का उसको शेयर करने की कोशिश की है आप लोगों के साथ। अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मंडे को मार्केट ओपन होती है तो देखते हैं क्या बनता है इस स्टॉक में। तब तक के लिए बाय बाय।